हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेआर मंत्रा। आई होप कि इसकी पिछले की दो वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। ये मेरा ज्योग्राफी भूगोल का नेक्स्ट लेसन प्लान है, तो ये देखिए इसका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा। इस तरह से यहाँ पे आके एंड होगा। तो चलिए देखते हैं इसको फुल डिटेल में। यह मेरी पाठ योजना थर्ड, यहाँ पे संस्था का नाम होगा, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप छात्राध्यापक भी लिख सकते हैं, अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक और अवधि, इस तरह से लिखेंगे। फिर आता है आपका प्रकरण मीन्स टॉपिक, यहाँ पे मैंने आ लिया है खनिज संसाधन। टॉपिक के बाद आता है आपका सामान्य उद्देश्य मीन्स आपके भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में किन किन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, वो होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो देखिए इसमें आप 8 पॉइंट लिखेंगे इस तरह से यहाँ तक। फिर आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य मीन्स आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं खनिज संसाधन, उससे आप बच्चों में किन किन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, वो यहाँ पे होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पे देखिए 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। तो यहाँ पे आप ज्ञानात्मक में 2 पॉइंट्स लिखेंगे। फिर आता है आपका यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य, इसमें आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। फिर आता है आपका यहाँ पे सहायक सामग्री, इसमें जो आप अपने पास से ले जाते हैं, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट हो गया, अगर आप कोई मैप ले गए हैं तो वो भी हो गया यहाँ पे आदि। फिर होता है पूर्व ज्ञान मीन्स आप जब भी बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं तो उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करके ही पढ़ाते हैं, वही होता है आपका पूर्व ज्ञान। छात्र खनिज संसाधनों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है आपका प्रस्तावना, प्रस्तावना में आप बच्चों से कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आंसर बच्चे दे पाएँ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया था सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो बच्चों ने आंसर दिया 8। फिर किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है, बच्चों ने आंसर किया पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर से कौन से पदार्थ खोद कर निकाले जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों ने आंसर दिया सोना, लोहा, कोयला, बच्चे कुछ भी आंसर दे सकते हैं आदि। फिर यहाँ पे पृथ्वी के अंदर से निकाले गए इन पदार्थों को क्या कहते हैं, यहाँ पे खनिज पदार्थ। अगर बच्चों ने यहाँ पे आंसर खनिज पदार्थ दिया तो ठीक है, लेकिन अगर खनिज पदार्थ आंसर नहीं मिला तो यहाँ पे आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर यहाँ पे खनिज संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समस्यात्मक। फिर आपका आता है उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर होता है आपका प्रस्तुतिकरण, इसमें देखिए 2 शिक्षण बिंदु होंगे। पहले शिक्षण बिंदु में मैंने लिया है खनिज संसाधन का अर्थ एवं उसके प्रकार। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे खनिज पदार्थ किस रूप से बाहर निकलने वाला पदार्थ है, तो यहाँ पर बच्चे आंसर करेंगे प्राकृतिक रूप से। फिर यहाँ पे खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा आपका छात्राध्यापिका कथन, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको आप एक्सप्लेन करके बच्चों को बताएंगे, देखिए इस तरीके से। यहाँ पे आप शाम पट सारांश भी देंगे। फिर आता है आपका फिर से बोधात्मक प्रश्न, यहाँ पे आप बच्चों से फिर से इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ पे देखिए खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, खनन किसे कहते हैं, खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं।
फिर आता है आपका विकासात्मक प्रश्न, ये आपका दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ से स्टार्ट होगा। आप बच्चों से फिर से क्वेश्चन करेंगे पृथ्वी के अंदर कौन से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, तो यहाँ पे बच्चे आंसर देंगे। फिर आएगा आपका कोयला कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपका समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है कोयले के प्रकार। यहाँ पे आप छात्राध्यापिका कथन देंगे, इस तरीके से श्याम पट सारांश भी रहेगा। फिर आपका आएगा बोधात्मक प्रश्न, यहाँ पे आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे। जब आपके दोनों शिक्षण बिंदु खत्म हो जाएंगे फिर आपके आएंगे मूल्यांकन के प्रश्न। आपने अभी तक बच्चों को जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, इस तरीके से खनिज कितने प्रकार के होते हैं नाम बताएं, कोयले के तीनों प्रकारों के नाम बताएं, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा, लोहा धात्विक है या अधात्विक, इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद यहाँ पे गृह कार्य देंगे, खनिज संसाधनों का संक्षिप्त वर्णन करें। आई होप कि आपको मेरा ये लेसन प्लान अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।